शुरू कर देते हैं। और आज जैसे ही एग्जाम की डेट आई है तो अटेंडेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात, अटेंडेंस थोड़ी सी नहीं 100% बढ़नी चाहिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खास कर से जो लोग अकेले नहीं पढ़ सकते, खुद नहीं पढ़ सकते, वो क्लास जरूर अटेंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास चल रही थी ऑपरेशन रिस्क, और ऑपरेशन रिस्क का एक आस्पेक्ट हमने कवर किया था। कोई बता सकता है कि ऑपरेशन रिस्क का कौन सा आस्पेक्ट कवर किया था हमने? कैपिटल चार्ज पे कैपिटल चार्ज किया था, वेरी गुड। और कैपिटल चार्ज हमने कौन सी अप्रोच से किया था? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर बेसिक अप्रोच। इंडिकेटर, ठीक है। तो वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। ये स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल चार्ज निकालने के लिए तीन अप्रोचेज हैं। फर्स्ट इज बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, और सेकेंड इज स्टैंडर्डाइज अप्रोच, और थर्ड इज एडवांस मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मैनेजमेंट। ये जो स्क्रीन आपको इस समय दिखाई दे रही है, मैं गारंटी करता हूँ इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्क्रीन हम दिखाते हैं आपको। स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहे हैं तीन अप्रोचेस दिखाई दे रही हैं, और तीन अप्रोचेस में बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को बेसिकली हम लोग कवर कर चुके थे। जिन लोगों को नहीं पता है क्या है, उनको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा ऑपरेशनल रिस्क का हमारा। तो उसमें 15% का मिक्स था, 15% का एक वन शॉट चार्ज ले लेते थे। और यहाँ पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच में आपकी बिजनेस कैटेगरी को कैटेगराइज कर दिया गया, जैसे रिटेल बैंक, रिटेल ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट, इनको ग्रुप में रखा गया है 12%। अब इसको हम ऐसे कर सकते, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में हमने बोला था कि कोई परचूनी की शॉप है आपके वहां है, और परचूनी की शॉप में कई तरह के बिजनेसेस हो। सबसे बेसिक बिजनेस क्या होता है परचूनी की शॉप? आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती, साबुन, इन चीज की सेल हो, ये उसका बेसिक बिजनेस है। और हमने बात करी थी वोटर स्टेट, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद, त्योहारों पर स्पेशल सेल करना, मिल्क सेल करना। तो इस तरह की उसकी लाइन ऑफ एक्टिविटी बहुत सारी है। ऐसे ही बैंक में भी बहुत सारी लाइन ऑफ एक्टिविटी। कोई बता सकता है एक परचूनी की शॉप में ऐसा बिजनेस जो कंटिन्यूअस चलेगा वो क्या होगा? ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स। आपने देखा होगा जब से आप छोटे थे आज तक वो तो जरूर बिक रहा है, ठीक है। एडिशनल चीजें हो, आपको ये भी याद होगा कि आज से 10 साल पहले फोन रिचार्ज के हर शॉप पे अवेलेबल हो, पीसीओ भी खोल रखे थे कई ग्रोसरी शॉप वालों ने। क्या आज वो चल रहे हैं? नहीं सर, नहीं चल। तो इसी तरह बैंक में भी कुछ ऐसे बिजनेस है जो एवरग्रीन है, कुछ ऐसे बिजनेस आते जाते रहते हैं। तो आते जाते रहते हैं या मोर रिस्की बिजनेस है, इसीलिए बैंक ने अपनी लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को कैटेगराइज कर दिया। जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में 15% का फिक्स अमाउंट था, उसको ब्रेक करके 12, 15 और 18 तीन कैटेगरी में लाया। आपको मैं स्क्रीन में भी दिखा देता हूँ ये जो बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखिए। तो एक तो 12% और दूसरा है 15% और तीसरा है 18%। जिस बंदे ने ये लेक्चर आज तक नहीं सुना या देखा नहीं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। जिन्होंने देखा उनके लिए रिवीजन हो रहा है। क्या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि आपके बिजनेस बैंकिंग, जो बैंकिंग बिजनेस है, उसमें जो ट्रेड होती है, बिजनेस लाइन बोलती है, उनको 8 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहली कैटेगरी रिटेल या रिटेल ब्रोकरेज या एसेट मैनेजमेंट की है, जिसमें उन्होंने बोला जो ये कैपिटल चार्ज है वो 12% है, जो कैपिटल चार्ज है 12% है। और कॉमर्शियल बैंकिंग और एजेंसी सर्विसेज में ये चार्ज 15% है। कॉरपोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स ऑफ पेमेंट सेटलमेंट, उसमें जो बिजनेस जो कैपिटल चार्ज है वो 18%। तो ये जो 15% था, इस 15% को तीन कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, और पूरी लाइन ऑफ एक्टिविटी को 8 बिजनेस लाइंस में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में, तो हम एक वर्ड यूज कर रहे थे, उसका नाम क्या था? मैंने फिगर बनाया, क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। अल्फा बोलते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता है, थोड़ा सा पिक्चर गलत हो सकता है। इसी अल्फा को यहाँ नेम दे दिया गया बीटा। बीटा यानी इधर अल्फा फैक्टर बोला गया है, इधर बीटा फैक्टर बोला गया। तो इंडिया में अभी बैंक ऑपरेशनल रिस्क कौन से उससे निकाल रहे हैं, किस अप्रोच से निकाल रहे हैं? स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड, हाँ, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से। पक्का?
नहीं बेसिक सर, बेसिक बेसिक। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार एग्जाम में, ठीक है। और इसका मैंने लाइव प्रूफ भी आपको दिया था कि इससे निकाल रहे हैं, यूट्यूब में भी आंसर दे रहे हैं, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से निकाल। अभी बेसिक चल रहा है? हाँ अभी बेसिक चल रहा है, अभी स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं करिए। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से ऊपर क्यों नहीं आ पाए? अच्छा एक चीज सुनो सुनो, अभी जो क्वेश्चन उठाया है इंप्लीमेंट ही नहीं। चलो ये जो क्वेश्चन उठाया है कि ग्रॉस इनकम वाला, बैंकों के पास ग्रॉस इनकम का तो रिजल्ट है, लेकिन वो ग्रॉस इनकम कौन कौन से हेड से आ रही है, शायद इसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा, या उसको बाइफरकेशन करने में दिक्कत आ रही हो। अगर बाइफरकेशन हो जाएगा तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच लगाने में कोई प्रॉब्लम, जैसे सपोज कीजिए बेसिक इंडिकेटर में उसकी जो ग्रॉस एवरेज इनकम है वो 300 करोड़ आ, ठीक है। इस आउट ऑफ 300 करोड़ में 200 करोड़ और 50 करोड़ और 50 करोड़, ये मैंने तीन कैटेगरी क्यों ली होंगी? परसेंटेज के हिसाब से इसके साथ तीन कैटेगरी, एक तो मैं मेरी कैटेगरी कौन सी परसेंटेज की है? 12%, 18%, 12%, 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
निकली हमारी 18%। जरा जल्दी से बताइए कैपिटल चार्ज कितना निकलेगा इस क्वेश्चन का? 20 46 90 सर नहीं आया, 90 कहां से जाएगा? 45% ऊपर वाले में आएगा, 40.5। वो पॉइंट का गड़बड़ कर गए आप, 7.5 और इधर जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 40.5 आएगा। जिन्होंने आंसर दिया वो सही है। तो स्टैंडर्ड अप्रोच में इतना, और इस वाली में अप्रोच में कितना निकलेगा? 15% 45। तो अब आप देखिए कि जिस बैंक ने ये वाला पोर्शन ज्यादा किया हुआ है उसको कैपिटल चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा, कम लग रहा है। और जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, सपोज कीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता, ये पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस का पोर्टफोलियो होता, तो कितना लगता उसको स्टैंडर्डाइज अप्रोच से उसको कैपिटल चार्ज? 18% लगता, 24 आंसर आता। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। चलो और आगे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। क्या बात है? अगली अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, हाई लेवल अप्रोच। को इस अप्रोच में क्या है, कैपिटल चार्ज इक्वल इंटरनली जनरेटेड मेजर स्पेस। यानी वो कह रहे हैं ये वाले दोनों रूल अलग कर दीजिए, ये दोनों रूल अलग कर दीजिए, एक नया रूल बनाइए। क्या रूल बनाइए? वो जो रूल बनेगा आपका इंटरनल लॉस डेटा, आपके पास इंटरनल लॉस डेटा होना चाहिए, एक्सटर्नल लॉस डेटा होना चाहिए, सिनेरियो एनालिसिस होना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल फैक्टर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो रिस्क मिटिगेशन आप 20% कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कैपिटल चार्ज है उसमें से 20% कम कर ली। पॉइंट समझ में आई बात? मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे बैंक जिनका डेटाबेस बहुत साउंड है, अगर वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग आरबीआई को बोलते हैं कि हमारा तो ये अच्छा चल रहा है, हमें तो इसमें लॉस नहीं होता है, हमें एक्सटर्नल लॉस इतने परसेंट है, कम है मत, तो इसमें क्या है कि अगर डेटा आपके पास अवेलेबल है तो अपना रिस्क मिटिगेशन 20% कर सकते हैं। यानी जितना रिस्क आपका निकल रहा है उससे 20% लेस कर लीजिए आप, अप टू 20%, ऐसा नहीं जीरो कर लीजिए, ठीक है। मेजरमेंट इंटीग्रेटेड इन्फो इनटू डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट प्रोसेस बाय इंटरनल, और ये इसके साथ साथ ये काम होना चाहिए, जो आपका इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट है वो ये काम भी कर, तब आप एडवांस मेजरमेंट अप्रोच पर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीनों अप्रोच में एक जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है उसको सुन लीजिए, वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन ये है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच आप लगाना चाहते हैं तो आप पूछ क्राइटेरिया की जरूरत नहीं, आप लगा लीजिए।
इसीलिए इंडिया के सारे बैंक किस में काम कर रहे हैं, BIA पे काम कर रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में जाना चाहते, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअली साउंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपके पास ये ऑपरेशनल रिस्क का कॉन्सेप्चुअली साउंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो ही आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच पर जा सकते हैं। और अगर आप एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो डेटा है लॉस डेटा, वो कितने साल के होने चाहिए? 5 years। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है 5 years सर। हाँ, और इधर जो है सिस्टमेटिक अप्रोच में, स्टैंडर्डाइज अप्रोच में एक चीज और चाहिए, सिस्टमेटिक ट्रैकिंग ऑफ लॉस। ठीक है, ये इसमें है या इसमें है जरा बताएंगे सर? उसी में है। सिस्टमेटिक ट्रैकिंग किसमें है? स्टैंडर्डाइज्ड में ही है। ठीक है, चलो मेरे को स्टैंडर्डाइज्ड में है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड में ही। मैंने जब इस स्लाइड को बात कर रहा था, मैंने आपको बोला ये 2 marks दे सकता है आपको एग्जाम। कोई डाउट है इसमें पूछने का सर? वो जो 20% है ना, मिटिगेशन अप टू 20% अलाउड, मतलब वो पिछले जो एग्जांपल दिए थे 40.4, उसका 20% घटा सकते हैं? मतलब हाँ हाँ ठीक है, मतलब आपको 40.5 में से 20% आपने माइनस कर लिया, घटा सकते हैं उतना कैपिटल रिक्वायर। लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा क्यों आप ऐसा करते हैं। ओके, ठीक है, मतलब आप ऐसा भी तो कह सकते हैं RBI को कि सर हमारे वहां तो आज तक एक भी लॉस नहीं हुआ, 1% NPA नहीं है, और किसी भी टाइप के मेरे बिजनेस लाइन में कोई घाटा नहीं हुआ मुझको, पिछले साल से हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो आप क्लेम करेंगे ना कि क्यों मैं कैपिटल मेंटेन करूं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, कैपिटल मेंटेन करने में बैंकों को क्या प्रॉब्लम है? इनकम जनरेशन में प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट जनरेशन। इन्होंने एक जो लोनेबल फंड वाला बताया ना आंसर, वो एग्जैक्टली ये आंसर नहीं। मैं बताता हूँ, बैंक के पास जो कैपिटल है, उस कैपिटल को लोन में डिप्लॉय नहीं करता। क्या करता है उस कैपिटल को? एसेट जनरेट करता है। एसेट जनरेट करता है, बिजनेस एक्सपेंशन करता है, नई ब्रांचें खोलता है, नए टाई अप करता है, नए एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने में काम करता है। ठीक, अच्छा, अब एक बात आई कि बिजनेस ही बढ़ाता रहेगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, बीच बीच में डिविडेंड चाहिए उसको, समझ रहे हैं बात को? कैपिटल को ब्लॉक करना भी ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि कैपिटल तो बहुत है, हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था कि सेट वन, एडिशनल वन, टीयर टू, उसके झंझट बहुत सारे, उसको उसी तरह से मेंटेन भी करना है, तो इसीलिए बैंक जो है। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई बहुत हेल्दी पर्सन तो नहीं है, लेकिन वो किसी हेल्दी पर्सन से अच्छा परफॉर्मेंस देता है कई मामलों में। ताकत तो उतनी नहीं है, कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जनरेशन अच्छा करता है। तो वही चीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी है कि जरूरी नहीं कि ज्यादा कैपिटल वाला अच्छा प्रॉफिट देगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कैपिटल का डिप्लॉयमेंट कैसा है इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बुक में देखते हैं, तो बुक में आ जाता है सुपरवाइजरी रिव्यू, अगला पिलर की बात शुरू कर देता है। लेकिन हम लोग ऑपरेशनल रिस्क पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशनल रिस्क का जो हमारा यूनिट नंबर 13 है उसमें आना पड़ेगा। समझ में आई? तो जो आपका बुक में ऑपरेशनल रिस्क दिया हुआ है, वो कुछ पार्ट तो 13 में दिया हुआ है और कुछ पार्ट 10 में दिया हुआ। तो 10 वाला पार्ट हमने ऑपरेशनल रिस्क का जो तो कवर कर लिया। अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 13 पे, जिसमें हमारा ऑपरेशनल रिस्क के साथ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की बात भी उसने करी हुई है। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की बात भी उसने करी हुई है। ये दो चीजों को पार्ट ऐड करके उसने ऑपरेशनल रिस्क एंड, तो इसमें हमने जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क पढ़ा था, उसी तरह की बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इसमें प्रिंसिपल नाम के जो ऑपरेशनल रिस्क के प्रिंसिपल हैं, वो एक ऐड हो जाते हैं जो हमने वहां नहीं पढ़ी। कहाँ नहीं पढ़ी? क्रेडिट और मार्केट रिस्क में हमने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ऑपरेशनल रिस्क जनरली क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है,
ऑपरेशन रिस्क में इवेंट टाइप क्या होती है, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट की क्या प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस फ्रेमवर्क, रिस्क मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रैक्टिसेस, रिस्क क्वालिफिकेशन और मिटिगेशन। ठीक, तो इसको देखते हैं जरा। इस पे पैराग्राफ को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक बात आती है यहाँ पे, द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल, सिस्टम और एक्सटर्नल इवेंट, इसको डिफाइन किया गया है। क्या बोला गया इसको? इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस और सिस्टम और एक्सटर्नल, इनमें से कुछ भी होता है चाहे वो इनएडिक्वेट हो या फेल हो जाए, तो आपका कौन सा रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एराइज होता है। चलिए अब बात आती है ऑपरेशनल रिस्क की क्लासिफिकेशन, वो कितने टाइप का, ऑपरेशनल रिस्क का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप का होता है। इसमें यहाँ थोड़ा सा ही बोला हुआ है, कुछ रिस्क मोर पोटेंशियल के हो सकते हैं और उससे डैमेज ज्यादा हो जाएगा, और कुछ लेस पोटेंशियल के हो सकते हैं, उससे डैमेज कम हो सकता है, कुछ फ्रीक्वेंटली होते हैं, कुछ कभी कभी होते हैं। As the activities of the organization change in response to the market and competition, new and hitherto known factors may add. अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनसे आपका ऑपरेशनल रिस्क बढ़ सकता है या हो सकता है, और नेचर की बात करें ऑपरेशनल रिस्क के, तो इतने तरह के ऑपरेशनल रिस्क जो है वो होते हैं। क्या चीजें हैं देखो इसमें, ऑपरेशनल रिस्क एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है सिंपल, आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या करेक्ट रिगार्डिंग ऑपरेशनल रिस्क। तो पहली बार एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या है, रिस्क वेरी इन देयर कॉम्पोनेंट, वेरी का मतलब यहां पर चेंज होता रहता, सम आर हाई ऑकरेंस जो मैंने यहां बात बोली थी, और कुछ लो वैल्यू रिस्क, मतलब होते बार बार है लेकिन रिस्क कम देते हैं, कुछ क्या है होते कभी कभी हैं लेकिन डूबा जाते। तो अगला है ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली चेंज स्पेशली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरगोइंग चेंज। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस आ, जैसे आपने देखा होगा कि पहले मैनुअल था फिर बैंकिंग हो वो कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस हुआ, आपके मैनुअल से कंप्यूटराइजेशन होने में कौन सा ऑपरेशनल रिस्क बढ़ गया, कोई बता सकते हैं? सिस्टम फेलियर हो सकता है, सिस्टम फेलियर और कंप्यूटर फ्रॉड्स, ठीक है, कंप्यूटर फ्रॉड्स बढ़ सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन वही कंप्यूटर फ्रॉड में आ गया। अब जो ऑपरेशनल रिस्क का डेफिनेशन किया था उसमें कुछ उनके एंगल थे कैसे हम ऑपरेशनल रिस्क को करते हैं, तो अब यहाँ वाला सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पेपर से मतलब इनकी रिसर्च पेपर आते रहते हैं। बेसिल टू में सजेस्ट किया गया, वो जो है बेसिल टू में सजेस्ट किया गया कि ऑपरेशन रिस्क जो है कॉजेज एंड इफेक्ट का कारण, मतलब उसमें उन बातों को पॉइंट किया गया, कॉजेज और उसके इफेक्ट, ठीक है। दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉजेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशनल रिस्क और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द रिस्क वर सजेस्टेड, इसमें ऐसा किया गया, और वो ये थे कॉज बेस्ड कौन से हैं और उनसे क्या इफेक्ट होता है। तो कॉज बेस्ड में क्या है, पीपल ओरिएंटेड कॉजेस, यहां से एक क्वेश्चन थ्योरी का, नेग्लिजेंस, इनकम्पिटेंस, इनसफिशियंट ट्रेनिंग, इंटीग्रिटी और कीमैन। कीमैन से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का जो की पर्सन है, वो की पर्सन है, मैंने लिख भी दिया, सीईओ है या आपके सीएफओ हैं, जो मेन पर्सन है वो ही गड़बड़ा रहे हैं सब, उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, उनको समझ नहीं है कुछ, तो ऐसा होगा तो भी आप क्या है, प्यूपल ओरिएंटेड बात हो गई, प्रोसेस ओरिएंटेड, आप ट्रांजेक्शन बेस्ड कॉजेस, बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेजर चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने फेस करी होगी। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब होता है कि एक आपको रिपोर्ट देनी है, एजीएम को भी जा रही है, उधर एनपीएसएल को भी जा रही है,
उधर जो है सीएमडी के टेस्ट को भी जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किसको बोलना है। ऑर्डर भी तीनों जगह से आ रहे हैं, एजीएम का लगा रहा, डीजीएम का लगा रहा, सीजीएम का लगा रहा। इसको ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, जो प्रोडक्ट हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, ये जो प्रोसेस ओरिएंटेड है दो तरह का हो गया, एक हुआ ट्रांजेक्शन बेस्ड कॉजेस और दूसरा था ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड कॉजेस। इसमें क्या है, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पता ही नहीं किसको क्या करना है, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, इनएडिक्वेट प्रोसीजर। तो ये दो पॉइंट प्रोसेस ओरिएंटेड हो गए। अगला आ गया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अब टेक्नोलॉजी में क्या है, आपने देखा होगा कई बार आप लोग कहते हो कि साहब हमारा सॉफ्टवेयर तो अच्छा काम नहीं करता, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ऑब्सोलीट एप्लीकेशन, पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, लैक ऑफ ऑटोमेशन कि सब कुछ मैनुअल करना पड़ा या बहुत कुछ मैनुअल करना पड़ा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, जो आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप देते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कि वो कौन कौन सी रिपोर्टें मांगते रहते हैं समझ में नहीं आता, पुअर डिजाइन डेवलपमेंट एंड टेस्ट। अब आ गया एक्सटर्नल कॉज, ऊपर बोला था नेचुरल डिजास्टर, ऑपरेशनल फेलियर इन थर्ड पार्टी, डेटोरेटेड सोशल और पॉलिटिकल। तो जो कॉज बेस्ड है, ये कॉज बेस्ड है ऑपरेशनल रिस्क। अब आए इफेक्ट बेस्ड, ठीक है, इफेक्ट बेस्ड में क्या आ गया, लीगल लायबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन पेनल्टी, लॉस और डैमेज ऑफ टू एसेट्स, रेस्टिट्यूशन, लॉस ऑफ रिकोर्स। और इन पॉइंटों को आप केवल आंखों में चिपका लीजिए। इवेंट बेस्ड, उसको क्वेश्चन आ सकता है आउट ऑफ दीज विच इज नॉट द इफेक्ट बेस्ड, ठीक है। अब जब थर्ड कॉन्जिक्यूटिव पेपर आया, नई रिकमेंडेशन आई, तो उसमें क्या हुआ, इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन आया। हाउएवर द थर्ड कंसल्टेटिव पेपर आया जब उनका, मैंने बोला ना एक रिसर्च होती है, रिकमेंडेशन हो, मैंने कहा आप ऐसा करेंगे, तो दे आर लिस्टेड बिलो। क्या आ गया, इवेंट बेस्ड, इसकी बात आ गई यहाँ पे इवेंट बेस्ड। तो इवेंट बेस्ड में क्या करा उन्होंने, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, जो सेकंड कंसल्टेटिव पेपर था कॉजेज एंड इफेक्ट बेस्ड था, जो थर्ड कंसल्टेटिव उन्होंने इवेंट बेस्ड कर, और जो ये इवेंट बेस्ड है इनकी जो सारे हेडिंग है इन्हीं हेडिंग को वन बाई वाई नीचे डिटेल में पढ़ दिया। क्या क्या चीज है, इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्कप्लेस सेफ्टी, क्लाइंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, डैमेज टू फिजिकल एसेट। ये जो डैमेज टू फिजिकल एसेट है आपको पता है कि ये भी ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है, बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इन सब चीजों को हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो मैंने क्या आपको बताया कि जो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर आया उसमें जो है ऑपरेशनल रिस्क को इवेंट बेस्ड क्लासिफाई किया हुआ, जब बोला ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, तो ये किन किन वजहों से होता, इवेंट है, इंटरनल फ्रॉड की इवेंट है, अब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ, ये लिखा ना ऑपरेशनल रिस्क क्लासिफिकेशन बाय इवेंट टाइप। तो इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है इंटरनल फ्रॉड, क्या होता है, ड्यू टू एक्ट ऑफ टाइप ऑफ इंटेंडेड टू डिफ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, सर्कमवेंट रेगुलेशन, द लॉ ऑफ कंपनी पॉलिसी, एक्सक्लूडिंग डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन इवेंट विच इन्वॉल्व एटलीस्ट वन इंटरनल फ्रॉड। तो अब यहाँ पे इंटरनल फ्रॉड में कौन से हुए, ऐसा कोई भी काम जिसमें कम से कम एक इंटरनल पार्टी इन्वॉल्व। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, वो होता है टाइप ऑफ इंटरनेट डॉट डिफरेंट, वही चीज है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बाय अ थर्ड पार्टी। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्कप्लेस सेफ्टी, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ इनकंसिस्टेंट विद एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और सेफ्टी लॉ, एग्रीमेंट फ्रॉम पेमेंट ऑफ पर्सनल इंजरी क्लेम्स और फ्रॉम लेवरेज। आप इस चीज को देखते हैं कभी ऑर्गेनाइजेशन में, आप इससे बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ आपको, कई बार आपने देखा होगा कि आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको पेट्रोल मिलता है, अखबार मिलता है, सब कुछ मिलता है, लीज हाउस मिलता है सर, हाँ, कुछ कुछ बैंकों में नहीं भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मिलता है, कुछ सीनियर ऑफिसर
या जूनियर ऑफिसर, कहते हैं ये तो स्कीम क्यों स्कीम ये ला रखी है। अब यहाँ पे क्या बात आई, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड वर्क प्लेस, अगर वो स्कीम लाए हैं तो बहुत बड़े ऊपर थिंक थॉट प्रोसेस से लाए हैं और उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये भी एक ऑपरेशनल रिस्क को अराइज करने का कारण होता है। तो जो फैसिलिटीज हैं अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा या आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी उससे ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट हो। क्लाइंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिस, आपके जो क्लाइंट हैं, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम अनइंटेंशनल एंड नेग्लिजेंट फेलियर ऑफ मीट ए प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू स्पेसिफिक क्लाइंट, किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट को आपने नाराज कर दिया, 5,000 करोड़ का बिजनेस चला गया, ऑपरेशनल रिस्क है। डैमेज टू फिजिकल एसेट, भाई तो क्लियर बात है, अगर आपका कोई एसेट फिजिकल वो डैमेज होगा, डिजास्टर में होगा, तो आपको ऑपरेशनल रिस्क होगा। बिजनेस डिसरप्शन और सिस्टम फेलियर, बिल्कुल होगा, नेटवर्क नहीं आ रहा आपका, बिजनेस नहीं चल पाएगा, जो ड्राफ्ट आज बनने थे नहीं बने आज। एग्जीक्यूशन डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, लॉसेस फ्रॉम फेल्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और प्रोसेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिलेशन विद ट्रेड द काउंटर पार्टीज एंड बैंक। तो ये हमने क्या पढ़ा, कोई जरा मुंह से बोलिए, आप लोग बोलिए कुछ क्या पढ़े हैं हमने। ऑपरेशनल रिस्क क्लासिफिकेशन बाय इवेंट टाइप, पहले कौन कौन से टाइप से होते थे, कॉज एंड इफेक्ट होते थे, थर्ड कंसल्टिंग पेपर में इवेंट बेस्ड करा और उसको समराइज कर दिया, ठीक है, कि इतनी इवेंट होती हैं जिनसे हमारे वहां ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि आपके वहां ऑर्गेनाइजेशन कैसे किस प्रैक्टिसेस से इस रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हर बैंक का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर इन फरवरी 2000 दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय प्रिंसिपल फॉर साउंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रिस्क एंड रोल ऑफ सुपरवाइजर इशूड इन 2000 जनवरी, तो ये वाले को रिप्लेस कर दिया गया इससे 2 जून 2011 में, और उसमें कुछ प्रिंसिपल बनाए गए। मैंने आपको बोला था जब मैं चैप्टर को शुरू कर रहा था कि ऑपरेशनल रिस्क में प्रिंसिपल्स के पॉइंट आ गए, और वो प्रिंसिपल सब ग्रुप में डिफाइंड। पहला है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, प्रिंसिपल वन, फंडामेंटल प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स शुड टेक द लीड इन एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। तो डायरेक्टर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और ये फंडामेंटल क्यों है भैया, ऐसा होना ही चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट शुड एस्टेब्लिश ए कॉर्पोरेट कल्चर दैट इज गाइडेड बाई स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट and that supports and provide appropriate standard and incentives for professionals and responsible behavior. तो एक तरह से बहुत इसको अगर हम इस अंग्रेजी वाले पैराग्राफ को समझाएं, एक बहुत बढ़िया तरह से काम को चलाना है, ऐसे समझ, ठीक है। In this regard, it is the responsibility of a board of the director to ensure that strong operational risk management culture exists throughout the whole. पूरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट से चलना चाहिए। प्रिंसिपल टू, बैंक शुड डेवलप इंप्लीमेंट मेंटेन ए फ्रेमवर्क दैट इज फुली इंटीग्रेटेड इनटू द बैंक ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। द फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट चूजन बाय द इंडिविजुअल बैंक विल डिपेंड ऑन ए रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग नेचर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ क्या बोलता है, उसने कहा बैंक को अपना जो भी कुछ है डेवलप करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपना एक मेंटेन फ्रेमवर्क मेंटेन करना चाहिए जिससे पूरा इंटीग्रेट हो मैनेजमेंट प्रोसेस, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल बैंक के, उसपे इंडिविजुअल बैंकर क्या है, फैक्टर क्या है उसके, किस तरह का नेचर है, कैसा साइज है, कैसी कॉम्प्लेक्सिटी है और कैसा रिस्क प्रोफाइल है। तो हर एक बैंक का ये अलग अलग होगा। अब बात आई गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में को बताएगा, सुशासन, बिल्कुल ठीक है, सही काम करने का तरीका। गवर्नेंस का मतलब क्या है, सही काम करने का तरीका। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सही काम करने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिकली से, ठीक है। तो गवर्नेंस की जब बात आएगी तो पहला उन्होंने कैटेगराइज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलता है, शुड एस्टैब्लिश अप्रूव
एंड पीरियडिकली रिव्यू एंड फ्रेमवर्क। अच्छा, जो हमारा मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क है उसमें हमारे मैनेजमेंट के पार्ट थे। क्रेडिट रिस्क में कितने पार्ट थे? चार। मार्केट रिस्क में कितने पार्ट थे? पांच। उन दोनों को यहाँ इस तरह डिफाइन किया गया जो पार्ट है, और पार्ट में अधिकतर कहाँ कहाँ कौन कौन शामिल है इसमें, टॉप से लेकर बॉटम तक सभी लोगों को शामिल किया गया, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एस्टेब्लिश करे, अप्रूव करे, पीडिग्री रिव्यू करे अपने किसको, फ्रेमवर्क को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड ओवरसी सीनियर मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट अ पॉलिसी, और वो क्या करे, उनको देखता रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने सीनियर मैनेजमेंट को देखता रहे कि वो पॉलिसी प्रोसेस और सिस्टम का इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर, तभी तो अच्छा सुशासन होगा, गवर्नेंस होगा। अगला प्रिंसिपल क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड अप्रूव रिव्यू अ रिस्क एपेटिट एंड टॉलरेंस स्टेटमेंट फॉर द ऑपरेशनल रिस्क दैट आर्टिकुलेट द नेचर टाइप एंड लेवल्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क दैट द बैंक इज विलिंग टू अचीव। कौन कौन से तरह का, कौन कौन से लेवल का ऑपरेशनल रिस्क बैंकों में हो सकता है, किस तरह का, कितने प्रकार का, ये सब चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूव भी करनी है और रिव्यू भी करनी है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद दूसरे बंदे जो होते हैं वो कौन होते हैं? सीनियर मैनेजमेंट। अब यहाँ इसने ऊपर ही बोलता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट को देखता रहेगा, ओवरसी देगा, है ना, ओवरसी सीनियर मैनेजमेंट। अब सीनियर मैनेजमेंट के बाद प्रिंसिपल 5 में क्या आता है, सीनियर मैनेजमेंट शुड डेवलप फॉर अप्रूवल by board of director a clear, effective and robust governance structure with well-defined, transparent and consistent line of responsibility. तो जब हम market risk और credit risk पढ़ रहे थे तो वहां पर भी जो senior management था जिसको हम board of director से नीचे committee बोल रहे थे, तो एक तरह से वो लोग senior management is responsible for consistently implementing and maintaining throughout the organization policy, process, system for managing operation risk in all of the bank's material product activity, process and system. तो ये जी senior management की role वो है जो भी board of director ने कहा है उसके according अपनी सारी चीजें well defined करना, transparent करना, सारी responsibility के साथ करना, ये काम। और अब हम पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट प्रिंसिपल 6 में कहता है सीनियर मैनेजमेंट शुड एंश्योर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, तो यहाँ पे हेडिंग है ना याला, कि वो खुद आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा इनहेरेंट इन ऑल मटेरियल प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट से मतलब क्या है, आपके लोन्स के प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कितना रिस्क है, क्या है, या इवन डिपॉजिट के प्रोडक्ट्स हैं किस तरह का रिस्क, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉस होने का, कौन सी एक्टिविटी है, प्रोसेस है, सिस्टम है, इन सब को देखेगा और उसमें इनहेरेंट रिस्क है और उसमें इंसेंटिव क्या है उसको समझेगा। प्रिंसिपल 7 कहता है सीनियर मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट देयर इज एन अप्रूवल प्रोसेस फॉर ऑल न्यू प्रोडक्ट। तो आपको किस चीज में हमने पढ़ा था, कुछ रनिंग प्रोडक्ट होते हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट होते हैं, कहीं पढ़ा था हमने, बता सकते हैं? हाँ सर, पढ़े थे। मार्केटिंग रिस्क में पढ़ा था, ठीक है। और उसमें जो है हमने एक डॉक्यूमेंट था, वो क्या था डॉक्यूमेंट उसका, है किसको याद? एक तो ऑनगोइंग प्रोडक्ट होता है, एक न्यू प्रोडक्ट होता है, ट्रांजेक्शन लेवल प्रोडक्ट, सुना था कभी? हाँ सर, ट्रांजेक्शन लेवल प्रोडक्ट होता है जिसको हम नया लॉन्च करते हैं और लॉन्च करके बाद ऑब्जर्व करते करते उसको उसमें लाते हैं। तो वो गाइडलाइन क्या होती है, जो प्रोडक्ट पुराने होते हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस होती है वो क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट प्रोग्राम। समझ में आई? प्रोडक्ट प्रोग्राम होता है जो रेट, जो प्रोडक्ट चल रहे होते हैं पहले। तो यहाँ पे भी वही थोड़ा सा इसलिए लिंक करा मैंने इसको कि न्यू जो प्रोडक्ट होते हैं, न्यू प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि
कोई भी नया प्रोडक्ट ले आएगा कि कहीं भैया हमने कार लोन ले आए जिसमें जो है 15 साल की रिपेमेंट प्रोग्राम कर दी और 100% फाइनेंस कर दिया, उसके लिए अप्रूवल प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस एंड सिस्टम दैट आर फुली एसेस, उसमें ये देखना है कि भैया इसमें ऑपरेशन रिस्क कितना होगा इस प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग में क्या, सीनियर मैनेजर शुड इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस टू रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल एंड मटेरियल एक्सपोजर टू लॉसेस, एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म शुड बी प्लेस एट द बोर्ड सीनियर मैनेजमेंट एंड बिजनेस लाइन लेवल। तो देखो तीनों लाइनों में रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या होता है, एक तो बोर्ड लेवल पे, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे और बिजनेस लाइन लेवल पे, बिजनेस लाइन लेवल से मतलब ब्रांच लेवल पे, दैट सपोर्ट प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड मिटिगेशन। अच्छा अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कहीं कहीं रिजेम्बलेंस हो रही है, किन चीजों से रिजेम्बलेंस हो रही है पता है आपको, कोई मुझे बताए स्टूडेंट? मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क का जो रिस्क मिटिगेशन था वो रिलेटेड है, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन और रिस्क आइडेंटिफिकेशन था ऊपर से, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, मिटिगेशन एंड कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन मिटिगेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन का मिटिगेशन नहीं है, मेजरमेंट ठीक है। तो वही चीज है ये प्रिंसिपल्स में, देखो आप है ना, जैसे ये मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग आ गया तो कंट्रोल मॉनिटरिंग में था उसका पार्ट है ना, तो उसमें क्या है कंट्रोल एंड मिटिगेशन आ गया। बैंक शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट यूटिलिटीज यूटिलाइजेस पॉलिसीज प्रोसेस और सिस्टम, ये तीन बार ध्यान रखना, पॉलिसीज प्रोसेसेस एंड सिस्टम, appropriate internal control and appropriate risk mitigation and transfer strategy. जो हम ये लोग अभी पढ़ रहे हैं operational risk का, definitely आपके bank में बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इसको कौन manage करता है, top management, top management इस पे जो senior management है board of directors बात करते हैं, लेकिन आप उसमें role play करते हैं केवल एक branch level पे, ठीक है लोकल लेवल पे बोलते हैं, हालांकि इन सब का इफेक्ट ऊपर जाके पड़ता है। बिजनेस रेजिलियंसी एंड कंटिन्यूटी, कि भैया बिजनेस बढ़िया भी चले और चलता भी रहे, कई बिजनेस होते हैं बढ़िया तो चल रहे लेकिन बहुत ज्यादा चल नहीं पाते, तो बैंक शुड हैव बिजनेस रेजिलियंसी एंड कंटिन्यूटी प्लान। अब ये जो वर्ड है प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, इवेंट ऑफ सीवियर बिजनेस, यानी अगर बिल्कुल ही डूब जाए तो लॉस का एक लिमिटेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल 11 क्या कहता है, बैंक्स पब्लिक डिस्क्लोजर शुड अलाउ स्टेक होल्डर्स टू एसेस इट्स अप्रोच टू ऑपरेशनल रिस्क, मतलब जो स्टेक होल्डर है उन्हें पता लग जाए कि इनकी ऑपरेशनल रिस्क की जो एसेस करने की वो है वो कितनी अच्छी है, और वो कैसे पता लगेगा, पब्लिक डिस्क्लोजर से, जो बैंक पब्लिक को बताता है, क्या बताता है, ऑपरेशनल रिस्क को, जो मार्केट डिसिप्लिन में बहुत सारी रिपोर्टिंग करता है ना बैंक, तो उससे कोई भी ये देख के बता सकता है कि ये क्या कैसा काम कर। आगे है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी बेस्ड ऑन ए वेल लेड आउट पॉलिसी ड्यूली अप्रूव्ड एट द बोर्ड लेवल दैट डिस्क्राइब द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग ऑपरेशन रिस्क, तो पूरी लेड डाउन पॉलिसी जो होनी चाहिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वो होनी चाहिए, इट शुड मीट द स्टैंडर्ड सेट इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल मेंशन हो, जितने ऊपर 11 प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड उनकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इन एडिशन ए वेल लेड डाउन प्रोसीजर इन डीलिंग विद वेरियस प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी, कैसे आप उनसे डील करेंगे वो होनी चाहिए। द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड अक्रॉस द पॉलिसी शुड कवर,
क्या करना चाहिए पॉलिसी कवर ऑपरेशन, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका क्या कि पॉलिसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पॉलिसी में क्या चीज होनी चाहिए, पहली बात है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट मेजरमेंट मेथडोलॉजी, ये चार चीजें होनी चाहिए आपकी ऑपरेशन रिस्क की पॉलिसी। इट मे बी नोटेड दैट अ बैंक मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर दैट फ्रेमवर्क्स पॉलिसीज प्रोसेसेस एंड सिस्टम, तीनों बार 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 वही आ रहा, पॉलिसीज प्रोसेसेस सिस्टम रिमेन सफिशिएंटली रोबस्ट बिकॉज ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट इज इवॉल्विंग एंड द बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इंप्रूवमेंट्स इन ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन द डिग्री टू विच द ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर्स कंसर्न्स आर कंसीडर्ड एंड द विलिंगनेस टू सीनियर मैनेजर टू एक्ट प्रॉपर्ली। अब देखो ये बोला है कि कितना सिंसियरिटी से आपका मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स इस ऑपरेशनल रिस्क को समझ पा रहा है और इसकी गंभीरता को समझ रहा है, सीरियसनेस को समझ रहा है। जितना आपके मैनेजर्स हो वो अच्छा काम इस चीज को सोचेंगे, उतनी ही पॉलिसीज वगैरह वो उतनी अच्छी बनाएंगे। चलिए अब मैं पूछते हैं मैनेजमेंट ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो रोल ऑफ बोर्ड। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें मार्केट रिस्क में ट्रेड रिस्क में, उसकी बात आ रही। तो रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड की जब भी बात आती है तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ये तीनों रिस्कों में, तीनों रिस्कों से मतलब मार्केट में भी यही था ट्रेड में भी यही है। क्या करना होता है, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट फ्रेमवर्क को वो करना, इट शुड अप्रूव बैंक्स ओआरएम फ्रेमवर्क। ओआरएम फ्रेमवर्क से मतलब क्या, ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड रिव्यू इट्स पीरियडिकली। द फ्रेमवर्क शुड प्रोवाइड अ फर्म वाइड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड ले डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ ऑपरेशनल रिस्क इज टू बी आइडेंटिफाइड एसेस्ड मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल। वो चारों चीजें आ गई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड पुट इन ए प्लेस ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर ओआरएम फ्रेमवर्क। द बोर्ड मस्ट डेलीगेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डे टू डे एग्जीक्यूशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ये सारा रोल ऑफ बोर्ड आ गया। अब वहां दूसरी पार्टी आ गई कौन, कमेटी। कमेटी थी उसमें भी, मार्केट में भी और क्रेडिट में भी कमेटी थी। द ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शुड आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल रिस्क टू विच द बैंक इज एक्सपोज टू, कौन सा रिस्क है, फॉर्मुलेट पॉलिसी करना एंड प्रोसीजर, सेट क्लियर गाइडलाइन ऑन रिस्क असेसमेंट मेजरमेंट एंड एंश्योर एडिक्वेसी। तो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड की है, लेकिन जो कमेटी है वो क्या कर रही है, कमेटी कर रही है सेट क्लियर गाइडलाइन और रिस्क असेसमेंट मेजरमेंट एंश्योरिंग एडिक्वेसी और रिस्क मिटिगेटिंग। द कमेटी हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ओआरए। अब देखो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई कि इम्प्लीमेंटेशन करना पूरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया हुआ है, अप्रूव फ्रेमवर्क जो अप्रूव किया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये कमेटी की रिस्पॉन्स। द फ्रेमवर्क शुड बी कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द होल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल ऑफ स्टाफ शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर स्टाफ अपने आप को ऑपरेशनल रिस्क को इतना अच्छी तरह समझ जाए तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल रिस्क उस बैंक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, मिटिगेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ट्रेनिंग कराना भी ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट करने का एक उदाहरण है। कोई बैंक एडवांस मेजरमेंट अप्रोच पर जा रहा है तो वो ही कहेगा कि मैं अपने स्टाफ को हर 3 महीने में एक बार एक दिन की ऑपरेशनल रिस्क की ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, यहाँ तो हमारे को बुक दे रही है, ये जो हम बुक दे रही है हमको ट्रेनिंग ऑपरेशनल की, क्या ये बैंक लेवल पे कभी दी गई, नहीं सर, बैंक लेवल पे नहीं दी जाती। द कमेटी हैज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग पॉलिसी प्रोसेस प्रोसीजर
for managing operational risk in all of the bank's material product process system. The bank का product process system है, phone system के लिए policy, process और procedure को develop करना, ये भी committee की responsibility. अब इसमें एक आ गया risk management department. The operations risk management department is the nodal department for identifying, managing and qualifying operational risk. Quantifying operations risk को quantifying करना, managing करना, identifying करना risk management department का काम है. ORMD इसका नाम है ORMD. In conjunction with the groups lay down procedure for management for operations. The department should identify or assess operational risk inherent in all material product activity, process and system. In सब में जो भी inherent का मतलब उसके साथ में है जो उस risk को identify करना. It should also ensure that before new product activity procedure and system are introduced, undertaken, the operational risk inherent in them is subject to the adequate assessment procedure. तो यहाँ पे पहले भी बात आई थी, कोई भी नया product, नई activity, नया procedure और नया system introduce किया जाए, undertake किया जाए, तो उसको ये जो risk management department है, क्या करता है, पूरा ensure कर लेता है कि ये सब कुछ बढ़िया चलेगा हमारा. The department has the responsibility to implementation of processes to regularly monitor operational risk profile and material exposure to losses and regular reporting pertinent to information to senior management and the board of director. So, risk management department, senior management or board of director को भी ये reporting करता है. अगला है role of internal audit. तो अगर हम operational risk की बात करें तो इसमें जो audit department है, तो ऑडिट डिपार्टमेंट एक तरह से आपको कौन से रिस्क को सपोर्ट कर रहा है? ऑपरेशनल रिस्क को सर. ऑपरेशनल रिस्क को सर. केवल नहीं, क्रेडिट को भी करता है. क्रेडिट क्रेडिट रिस्क सपोर्ट करता है. क्रेडिट ठीक है. तो रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट बैंक फंक्शन. रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू द इंटरनल ऑडिट बिजनेस फंक्शन इज द ऑपरेशनल रिस्क प्रोसेसेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड. ऑपरेशनल रिस्क प्रोसेस के लिए क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए कि इनको क्या क्या देखना है. दिस वुड इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ ORM फ्रेमवर्क सो एज टू असेस द इट्स इफेक्टिवनेस. द इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड बी ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट. सर IIBF के साइड में FRR का एक कोर्स दिया हुआ है, FRR का, जो कि ऑपरेशनल FRR बोल के एक कोर्स है कि ये ऑपरेशनल रिस्क मार्केट रिस्क से रिलेटेड ही कोर्स है. सर्टिफिकेट वो रिस्क मैनेजमेंट का है ना कोर्स. रिस्क मैनेजमेंट छोड़ के भी और एक कोर्स सर नया दिया हुआ है देख रहे हैं. अरे इसने क्या किया IIBF ने, ये सर US गैप का है सर. US गैप का. अच्छा 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 ठीक 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 फाइन. ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए है. लेकिन आपको एक बार बता दूं कि जो बेसिल है वो वैसे ही ग्लोबल स्टैंडर्ड है और उस ग्लोबल स्टैंडर्ड में इंडिया में बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं. मतलब वो ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक ही है. और IIBF ने एक चीज बहुत गलत कर रखी है. बताएं क्या गलत कर रखी. उसने इतने सारे कोर्सेस बना दिए जिसमें कई सारे कोर्सेस आपस में 50-60% तक कॉमन है. जैसे बताता हूं मैं, रिस्क मैनेजमेंट का जो आपका जो ये इलेक्टिव पेपर है और तो BFM, वो शायद हटा दिया ना अभी. इलेक्टिव पेपर से रिस्क मैनेजमेंट रखा हुआ क्या? नहीं, अलग से सर्टिफिकेशन है ना रिस्क मैनेजमेंट का, अलग से कोर्स है. सर्टिफिकेट कोर्सेस. हां ये सर्टिफिकेट कोर्स है. तो उसमें यहाँ का बहुत सारा आता है. फॉरेक्स का कोर्स है, उसमें बहुत सारा बेसिक्स यही है. ठीक है, तो ऐसे जो FRR वाला होगा तो उसमें बेसिक चीजें जो हमारी बेसल की चल रही है ना, रिस्क मैनेजमेंट बेसल, बहुत बेसल का मतलब ही है रिस्क मैनेजमेंट का. तो ऐसी कॉमन है बहुत सारी चीजें.